हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। अभी टाइम जो हो रहा है 4:31 का टाइम है और 4th ऑफ अक्टूबर 2019। दिस इज़ हरिंदर साहू फ्रॉम किंग रिसर्च। मैं एक रिकॉर्डिंग आपके लिए बना रहा हूँ गाइस, और इस रिकॉर्डिंग के अंदर मैं आप लोगों को एक चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ, उल्टा पुल्टा स्ट्रैटेजी, राइट। तो ये जो उल्टा पुल्टा स्ट्रैटेजी है, होप यू रिमेंबर, 2 अक्टूबर को मैंने आपको दिया था, पंजी वाला नहीं, एग्जैक्ट वाला, 2 अक्टूबर 2019 को मैंने आपको दिया था। और काफ़ी सारे लोगों ने उस स्ट्रैटेजी को देखा, अप्रिशिएट किया। आज मेरे को बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आए मॉर्निंग से, सर BPCL एंड येस बैंक में प्रॉफिट आया। उन्होंने स्क्रीनशॉट भी भेजा और वो स्क्रीनशॉट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम है, जो लोग वहाँ पे हैं तो उनको मैंने दिया भी, ट्विटर पे जो लोग एक्टिवेट हैं उनको भी मैंने दिया, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन गाइस। आप लोग भी काम करना चाहता हूँ, राइट। मैं आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो मैं आई डू ट्रेड इन माई ओन अकाउंट। तो कुछ कॉम्प्लेंस देना मैं आपको देना चाहूँगा कि कुछ डिस्क्लेमर्स देना चाहूँगा कि जो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ या कोई भी स्ट्रैटेजी मैंने आपको दी है, तो मेरा पर्पस आपको एजुकेट करना है, मेरा पर्पस आपको सिखाना है किस तरह से स्ट्रैटेजी के बेस पे आप काम कर सकते हो प्योर प्राइस एक्शन, और किसी एरे गहरे के पास जाके टिप्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी तक आप टिप्स ले रहे हो और आपको पता है आप क्या कर रहे हो, राइट। तो मेरा पॉइंट ये है, खुद से स्ट्रैटेजी को देखो, एक माइंड ब्लोइंग स्ट्रैटेजी जो उल्टा पुल्टा मैंने आपको 2 अक्टूबर को दिया था। कल हमने देखा कोई स्टॉक सिलेक्शन निकले थे, कम से कम 4 से 5 स्टॉक्स हमारे पास आए थे, लेकिन मार्केट कैसा भी हो हमारे पास कोई कल ट्रेड नहीं मिला। आज अगेन कल ऑलमोस्ट डाइसी मार्केट था निफ्टी, राइट। शाम को जाते जाते थोड़ा सा गिरा था। इफ आई टॉक अबाउट, हम एनालिसिस कर लेंगे थोड़ा सा निफ्टी के बारे में भी, अगर मैं 10 मिनट का चार्ट लगाऊं तो आप खुद देखिए यहाँ पे, ये 3 अक्टूबर का, ठीक है। एक जो 3 अक्टूबर है मॉर्निंग में, मार्केट जो है 11,260 से लेके 11,360, यानी कि 100 पॉइंट का लो से हाई था। और उसके बाद आप खुद देखिए पूरा मार्केट रेंज में चलता रहा, कल पूरा दिन मार्केट रेंज में चला। इसी वजह से कल जो भी हमने स्टॉक सिलेक्शन किया था, ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं मिला, कोई कॉल नहीं मिला। कल बहुत सारे लोगों का आया था मैसेज कि सर कोई कॉल नहीं आया, कोई इनिशिएटिव नहीं हुआ, कैसी स्ट्रेटेजी है। अगेन गाइस, बार बार बोल रहा हूँ, मेरे सारे वीडियो में एक ही चीज़ बोलता हूँ, बिलीव करो, सिर्फ बिलीव करो एंड हैव पेशेंस। पेशेंस रखोगे, बिलीव करोगे, आप सोच भी नहीं सकते हो आपके पास क्या पावर है। जो दूसरे को आप फॉलो करते हो ना, हो सकता है आप मेरे से ज़्यादा कमाना चालू कर दो। इंस्टेड ऑफ 10 स्ट्रैटेजी में काम करने से अच्छा है 2 ही स्ट्रैटेजी में काम करेंगे, लेकिन उसको कंसिस्टेंटली काम करेंगे, उसके ऊपर बिलीव करके काम करेंगे, देखना अमेजिंग, यू विल गेट अ रिटर्न, अमेजिंग, राइट। तो कल डाइसी था, कल कोई ट्रेड नहीं मिला, आज मेरे को 2 ट्रेड मिले मॉर्निंग में, BPCL, चलो BPCL देख लेते हैं। उल्टा पुल्टा स्ट्रैटेजी 2 अक्टूबर को जो दी थी, जिसने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है मैंने लिंक उल्टा पुल्टा, प्लीज़ जाके दोबारा देखिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया प्लीज़ व्हाट्सएप में, आई विल रेक्टिफाई यू। उल्टा BPCL ये देखिए, ठीक है। डेली चार्ट मैंने बोला था, क्लियर कट आपको मैंने बोला है कि बॉस आपको डेली चार्ट लगाना है, नो 5 मिनट, नो 10 मिनट, नो आधा घंटा, नो 1 घंटा, नो 4 मिनट, सिर्फ और सिर्फ डेली चार्ट। डेली चार्ट देखा, इसकी जो मूवमेंट है प्रीवियस डे की, यानी कि जो कल की मूवमेंट थी, इस BPCL में मोर देन 5% की मूवमेंट थी, हमारे स्टॉक सिलेक्शन के रडार में आ गया। मैं दोबारा स्ट्रैटेजी नहीं बताना चाहता, क्योंकि जिसको मालूम है प्लीज़, अगर आप जानना चाहते हो, आप नए हो, पहली बार देख रहे हो मेरा वीडियो, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उल्टा पुल्टा स्ट्रैटेजी पर और देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर 5% की मूवमेंट मिली कल, और आज गैप अप खुला। आज कहाँ खुला? ये जो हाई है, इस हाई के ऊपर खुला, गैप अप खुला। और गाइस आप खुद देखिए, गैप अप खुलने के बाद जब ये स्टॉक नीचे आया, हमारी एंट्री प्रीवियस डे के हाई पे थी, यानी कि 540 पे हमारी एंट्री थी, और उसके बाद मेड अ लो 511.70 पैसा। और अगर मैं इसमें स्टॉप लॉस की बात करूँ, अगर आपकी एंट्री यहाँ पे है, यहाँ से हार्डली आपका स्टॉप लॉस 5 रुपये का है गाइज। आप खुद देखिए 540 पे एंट्री, और इसका हाई क्या है,
545, ओनली 5 पॉइंट का एसएल, सिर्फ 5 रुपए का एसएल गाइस। आप 50 50 100 100 रुपए ऐसे दे देते हो मार्केट को जैसे कुछ भी नहीं है, और बाद में रिग्रेट करते हो, बॉस ये क्या हुआ, 10,000 15,000 20,000 50,000 नुकसान करके बैठा हूं इंट्राडे। यहां पे सिर्फ 5 रुपए का एसएल, मनी मैनेजमेंट कैलकुलेट करना है, ऐसा नहीं कि सारा का सारा पैसा उठा के बीपीसीएल में लगा दिया, नो इट्स नॉट लाइक दैट। मे बी यू हैव 2 लाख रुपीज, मे बी यू हैव 5 लाख रुपीज, यू नीड टू थिंक अबाउट इट फर्स्ट, हाउ मच कैपिटल आई वॉन्ट टू टेक रिस्क इन दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, नॉट इन दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। इफ आई गो फॉर द डे ट्रेडिंग, तो मेरे जो भी मान लो 4-5 सौदे में लेने वाला हूँ, या 10-15-20-25 जो भी सौदे लेने वाला हूँ, उसमें आपको मनी मैनेजमेंट यूज करना है कि बॉस मेरा ये 5,000 रुपए का इंट्राडे रिस्क है इस पर्टिकुलर बीपीसीएल में, तो 5,000 के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है क्वांटिटी, करेक्ट। तो 5 रुपए का एसएल, और वो कैसे करेंगे कैलकुलेट मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 5,000 रुपए का आपने रिस्क डिसाइड किया, तो वो 5,000 और 5 रुपए का इस स्क्रिप्ट में स्टॉप लॉस आया, राइट। तो 5,000 डिवाइड बाई 5, करेक्ट, तो कितना क्वांटिटी आ गया, गैस करिए फटाफट, गैस करिए, 5,000, राइट, 5,000 डिवाइड बाय 5 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस, यानी कि रिस्क हमारा 5,000 रुपए का था इस बीपीसीएल के ट्रेड में, और डिवाइड बाय मैंने स्टॉप लॉस जो था मेरा 5 रुपए का, ऑटोमेटिकली 1000 क्वांटिटी मुझे इसमें काम करना है। अभी फ्यूचर की बात नहीं करेंगे गाइस, सिर्फ अभी टेस्ट करो, खुद एग्जीक्यूट करो, एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन 1 महीना छोटा छोटा क्वांटिटी में अपना छोटा रिस्क लेके ट्रेड करने की कोशिश करो। एक बार जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एक बार हाथ सेट हो जाए टर्मिनल पे, ऑटोमेटिकली आप फ्यूचर 5 लॉट 10 लॉट जो करना है अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से उसमें कर सकते हैं, अपना लॉजिक लगा के कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे 5 रुपए का एसएल आया, अगर मैंने 1000 क्वांटिटी भी काम करी है 5,000 के रिस्क के साथ, आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए गाइस, 540 पे एंट्री ली और मेरा ये लो बना 511.70 रुपए, 512 रुपए पकड़ लो, ऑलमोस्ट 28 पॉइंट्स। 1000 रुपए का रिस्क, 1000 क्वांटिटी ली थी, 5000 रुपए का रिस्क लिया, 28 पॉइंट्स। जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाट इज द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, वीडियो मैंने बताया था ना 1:2.5 तो मिनिमम आएगा, यहाँ पे 1:5+ आया है, 1:5+। 5,000 का रिस्क और 28,000 रुपए का मैक्सिमम प्रॉफिट, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। वीडियो अगर ध्यान से दिया होगा, मैं बोल रहा था अगर मेरी एक्यूरेसी लेवल 30% भी है और 1:3 मिनिमम मेंटेन कर रहा हूं, स्टिल आई एम गेटिंग अ गुड प्रॉफिट गाइस। इसके बावजूद भी मैं एक अच्छे प्रॉफिट में बैठूंगा सिर्फ 30-35% के एक्यूरेसी लेवल के साथ ही। बट काम करना है, हमेशा याद रखो, थिंक लाइक अ बिग शार्क। अभी तक जो सोचते हो बड़ा सोचो कि बड़े प्लेयर्स क्या कहते हैं, उनको फॉलो करो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को फॉलो करना है, नो, जिसको भी पसंद है, जो आपको दिखता है यार हाँ रियली इसकी स्ट्रैटेजी काम करती है, या वाकई में ये खुद ट्रेड करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, दुनिया में आपका पड़ोसी भी एडवाइस करता है, अरे गहरे नत्थू गहरे सब एडवाइस देते हैं, ऐसा कर लो ये कर लो। टीवी देखते हो, मैच देखते हो, मैच इंटरनेशनल मैच चल रहा होता है, हैं पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा होता है, तो जैसे ही कोई अच्छा बल्लेबाज सपोज विराट कोहली आउट हो जाता है, हम क्या बोलते हैं, अरे यार ये शॉट क्यों लिया, अभी ऐसी सिचुएशन थी, ऐसा खेलना था। आप भी एडवाइस देते हो, मैं भी एडवाइस देता हूँ घर में बैठ के, बट कभी सोचा है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो किस तरह का क्रीज पे फील कर रहे हैं प्रेशर को। तो वो जो प्रेशर है, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट इन द स्टॉक मार्केट, आपको पता है क्या करना है, यू नो एवरीथिंग, बट वो जो प्रेशर के साथ जो एग्जीक्यूट करना होता है वो लोग आप अप्लाई नहीं कर पाते। इसलिए बोलता हूं गाइस, स्ट्रेटजी कोई भी हो उसके ऊपर प्रॉपर काम करो, काम कैसे करना है वो सीखो, वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए बार बार मैं बोलता हूं टिप्स फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको दे ही रहा हूँ टेलीग्राम पे, एज यूजुअल नो गाइस, आज 16 टिप्स दिए हैं, आउट ऑफ 16 कॉल्स ये देख लीजिए, है ना, ये आज के टिप्स, लाइव कॉल्स, लाइव आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं फिर वो नहीं कि ये टूटा तो बाई कर लो, ये टूटा तो सेल कर लो, वही बात हो गई फिर मैच वाली सिस्टम,
कि वो खेल रहा है और आप यहाँ पे ज्ञानबाजी कर रहे हो, क्या वो खुद ट्रेड कर रहा है, जिसको भी फॉलो कर रहे हो क्या वो खुद ट्रेड कर रहा है? अगर यस, डेफिनेटली उसको फॉलो करो, आप पैसा करा सकते हो। नहीं तो गाइस आप समझदार हो, यू ऑलरेडी मैच्योर एनफ, राइट? लुक एट दिस, ICICI बैंक, UBL, Mindtree, TCS, Global, ITC, Gain, HDFC, Wipro, Grasim, DCB, Cipla, IOC, Nifty, Concord। अब आप लोगों के माइंड में एक डाउट आ रहा होगा, सर आप प्रोफेशनल हो, आप 12 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हो, आप ऑलरेडी इतने सारे चार्ट लगा के देख लेते हो, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसलिए ऐसा बना लेते हो, लेकिन हम तो फ्रेशर है, हमें तो सर कुछ नहीं आता या थोड़ा बहुत आता है, हम कैसे करें 16 ट्रेड, तो हम पॉसिबल ही नहीं है। किसने बोला है 16 ट्रेड लेने के लिए दोस्त? एक ट्रेड लो ना, ICICI से स्टार्ट करो ना, UBL से स्टार्ट करो, Mindtree से स्टार्ट करो। सर मेरे को 12 साल एक्सपीरियंस हो गया तब जाके मैं 16 ट्रेड ले पाता हूँ, आप लोगों को दे भी पाता हूँ, और खुद डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, उसमें से कुछ पोजिशन मेरे अकाउंट में खुद ट्रेड लगे हैं, कुछ नहीं भी लगे हैं, राइट? तो आप लोगों को भी देता हूं, खुद भी करता हूं, एक्सपीरियंस आएगा, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। जब मैं आपकी जगह था मैं भी एक ट्रेड नहीं ले पाता था, 17 तो छोड़ दो, 16 तो ट्रेड छोड़ दो, एक सिंगल ट्रेड नहीं कमा पाता था, और अब 16 ट्रेड दिए हैं जिसमें से एक या दो में मेरे एक ICICI में मैंने ICICI कह रहा हूं आपका एक ट्रेड कौन सा है, आई विल टेल यू गाइस, इसमें से एक ट्रेड था मेरा, हाँ इन्फोसिस मैंने स्टॉप लॉस दिया था, हिट नहीं हुआ है, बट मेरे को लग रहा था ये गड़बड़ है, तो जल्दी 4-5 रुपए के SL में मैंने मतलब बोल दिया था कि 4-5 रुपए का लॉस बुक करो। और उसके अलावा आप खुद देखिए, मैंने मेंशन किया है HDFC में मेरा स्टॉप लॉस 30 points का स्टॉप लॉस, HDFC वहां से 12-13 रुपए चढ़ा था, बट 20 rupees का 2000 का स्क्रिप्ट प्राइस है उसका 12 rupees 0.50, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं थोड़ा सा बड़े लेवल इंटरेस्टेड हूँ कि 1:2 तो कम से कम आए तब मजा आता है, कम से कम, अदरवाइज मैं बुक नहीं करता जल्दी से, राइट? तो 0.50 नो मैन, अदर लोग करते होंगे, 1 rupee आता है चिल्लाना चालू, 2 rupee आता है चिल्लाना चालू, 3 rupee आता है चिल्लाना चालू, गाइस दिस इज नॉट अ सब्जी मंडी, ये ले लो वो ले लो, यू शुड हैव प्रॉपर कैलकुलेशंस, और उसको आपको बैंग ऑन, पहले स्टॉप लॉस है, टारगेट है, वट एवर, वो बात की बात है, बट रूल्स इज रूल्स, इसीलिए बोल रहा हूँ एजुकेट योर सेल्फ। 16 ट्रेड लेने के लिए नहीं, लोग एक टिप्स देते हैं, दो देते हैं, तीन कॉल देते हैं, यहाँ मैं 16 कॉल दे रहा हूँ, और खुद देखो, आ जाओ ग्रासिम में देखो कितने पॉइंट का, सर 51, 663 से 551, जस्ट कैलकुलेट द परसेंटेज, हाउ मच परसेंटेज आई एम गेटिंग इन ग्रासिम इटसेल्फ, राइट? DCB 183.60 से 179, कैलकुलेट योर सेल्फ। सिप्ला 1% सिप्ला, इवन 1% नहीं 7 rupees की चाहिए, 1.8% ऑलमोस्ट 2% सिप्ला में मिला। IOC कैलकुलेट योर सेल्फ 2% प्लस, इन्फी लॉस बुक किया, कॉनकॉर आप खुद चेक करिए 1%, राइट? HDFC स्टॉप लॉस इट, क्लियर कट स्टॉप लॉस इट, 1.5% का हमने स्टॉप लॉस लिया, ग्रासिम 1.5% के प्लस, ITC 1 rupee का लॉस, ठीक है? टाटा ग्लोबल 268 से 262, आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कितने पॉइंट का है, 2 से 3%। TCS कॉस्ट टू कॉस्ट, Mindtree 710 कॉस्ट टू कॉस्ट, UBL 1310 से 1265, आज का मेरा सबसे पहला ट्रेड UBL ही मैंने आप लोगों को दिया था, टेलीग्राम में जाके प्लीज वेरीफाई कर लेना कि मैं हवाबाजी में बात कर रहा हूँ या रियल काम कुछ कराया है वैसा। सबसे पहला ट्रेड UBL में दिया था, और आप कैलकुलेट कर लो गाइस 1360 से लेके 1265, आई मीन टू से 1310 गोस्ट, आ जाओ UBL में देखें हम चार्ट पे एक बार, कोई बताएगा क्यों दिया था, गैस करो, राइट? 10 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं, ये देख लो जहां से दिया 1310, 1310 कहां है, इधर है, इधर ये देखो, इधर 1310, दिस इज 1310, राइट? 1310 पे हम लोगों ने इसको एग्जीक्यूट किया, सेल किया, मॉर्निंग में
दे दिया था, और 1310 के बाद ये ऊपर की तरफ इसने नहीं देखा सर, नीचे की तरफ देखता चले गया, नॉन स्टॉप देखता चले गया। तो मैंने यही स्टॉक क्यों सेलेक्ट किया, क्यों, व्हाई? कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ तो कॉन्सेप्ट होगा। सीखो, जब सीखोगे एक ट्रेड लोगे, दूसरा ट्रेड लोगे, तीसरा ट्रेड लोगे, चौथा लोगे, ऑटोमेटिकली लेते चले जाओगे। जब एक ही ट्रेड ही ले पाओ 15-20 तो बात की बात है, है ना। तो ये है पिन पॉइंट की दुनिया, ये है मल्टी कंफर्मेशन की दुनिया। और इससे एक दिन पहले का थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ गाइस आप लोगों को, एक दिन पहले का यानी कि 3 अक्टूबर को, और देख लो ऑलमोस्ट ये वाला इस दिन गिरा, कॉन्स्टेंट हो गया। स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बाकी पूरी स्ट्रैटेजी सिर्फ 14 अक्टूबर के क्लास में जो ज्वाइन करेगा उनको सिखाई जाएगी। फ्लैट, अगले दिन फुल फ्लैट, और तीसरे दिन बड़ा धमाका, और धमाके के बाद हमारा धमाका, राइट। सीखो कैसे काम करता है, कैसे ये स्टॉक सिलेक्शन किया गया, क्यों इस पे ट्रेड किया गया, क्यों सेल किया गया, डू यू हैव एनी लॉजिक। और मेरे पास छोटा सा एसएल के साथ बड़ा धमाका था। आप कैलकुलेट गाइस खुद कर लीजिए यार, 1310 से सेल, राइट, 1310 से आप 1260 ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स, 1200 रुपए के स्क्रिप्ट में, 1300 रुपए के स्क्रिप्ट में 50 पॉइंट्स इन इंट्राडे ट्रायलिंग एसएल लगा और बिंदास बैठे रहो। आई डोंट बिलीव प्रॉफिट बुकिंग गाइस, टू बी फ्रेंडली स्पीकिंग, मेरे कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट बुकिंग का है ही नहीं, मेरे कॉन्सेप्ट में सिर्फ ट्रायलिंग एसएल का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि मुझे नहीं पता आज ये बीपीसीएल यूबीएल कितना गिरने वाला है, 50 पॉइंट, नोबडी विल प्रिडिक्ट कि 50 पॉइंट गिर जाएगा। हाँ, आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो बॉस ये टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है, बट नोबडी विल प्रिडिक्ट कि आज ही 50 पॉइंट गिरेगा, या 70 पॉइंट गिरेगा, या 100 पॉइंट गिरेगा, 200 पॉइंट गिरेगा, राइट। मे बी यू हैव अ 20 पॉइंट स्टॉप टारगेट, 30 पॉइंट टारगेट, 40 पॉइंट टारगेट। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, और लोगों से शेयर करिए। एक और स्ट्रैटेजी, जब मेरे पास 5000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे यूट्यूब में, आई एम गोना टू टीच यू वन मोर पावरफुल स्ट्रैटेजी फॉर अगेन इंट्राडे, अगेन फॉर इंट्राडे, दिस इज माय कमिटमेंट। 5000 सब्सक्राइबर आते ही इंट्राडे मैं दूंगा ही दूंगा। अच्छा, बीच में मैं डिस्क्रिप्शन करता हूँ, फिर एक और स्ट्रैटेजी भी दूंगा, आप लास्ट तक रहिएगा मेरे साथ गाइस। होप सो नेक्स्ट वीक मैं अवेलेबल नहीं हूँ, एक्चुअली मैं पुणे जा रहा हूँ, ठीक है, मेरा छोटा भाई है वहाँ पुणे में, तो फैमिली के पास जा रहा हूँ, और दशहरा वहीं सेलिब्रेट करूँगा, ठीक है। तो अगर कोई पुणे के स्टूडेंट्स हैं, मैं मगरपट्टा जा रहा हूँ एक्चुअली सर, राइट, पुणे में मगरपट्टा है, तो वहीं पे मेरा भाई रहता है, छोटा भाई है, तो मैं पुणे जा रहा हूँ, और अगर कोई पुणे का स्टूडेंट है मेरा, जो मेरे से ऑलरेडी क्लास ले चुका ऑनलाइन, या मैंने जो पुणे में सेमिनार किया था वहाँ पे ऑलमोस्ट 19-20 लोग आए थे, तो वहाँ पे कोई अगर दोबारा मिलना चाहता है, कोई डिस्कस करना चाहता है, या फिर आपको और हेल्प चाहिए, या फिर कुछ और, इफ़ यू हैव सम क्वेरीज, राइट, आपको अगर लगता है कि यार और बात करनी है या कुछ है डिस्कस करना है, मोस्ट वेलकम, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, एक वेन्यू डिसाइड कर लेंगे। तो जो लोग भी हैं प्लीज़ मुझे इस वीडियो को देखने के बाद जल्दी से जल्दी बताइएगा, क्योंकि मैं आज मेरी दुरंतो है रात को हैदराबाद से, मॉर्निंग में मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, अर्ली मॉर्निंग स्टेशन में मिलूँगा मैं आज। उसके बाद ये वाला वीकेंड तो आप छोड़ दीजिए, ये वाला वीकेंड रहने दीजिए, तो अपन कभी भी मिलेंगे तो वीक डेज में ही मिल सकेंगे, ठीक है। तो नॉट ट्यूजडे, वेडनेसडे को अपन मिल सकते हैं। वेडनेसडे को क्या है, एक सेकेंड, प्लीज़ मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो अपन प्लान बना लेंगे सबका कन्वीनियंट टाइम देख के, उस दिन एक बार मिल लेंगे सर, बैठ के एकदम बात कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, आप लोगों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लेंगे सर। वैसे ही आना नहीं हो पाता, इतना बिजी रहते हैं, आप लोगों से मिलेंगे, अगर किसी की हेल्प हो पाए मोस्ट वेलकम, इससे ज़्यादा बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। कोई भी नया हो पुराना हो, कोई भी जो भी मिलना चाहता है मोस्ट वेलकम, पुणे में एक जगह डिसाइड करके अपन मिल लेंगे, ठीक है। चलिए अब कम टू द पॉइंट, ये हो गया यूबीएल का उल्टा पुल्टा स्ट्रैटेजी में, करेक्ट, समझ में आ गया होगा आपको, और नॉट यूबीएल, बीपीसीएल का आपको क्लियर कट दिख गया। 28,000 रुपये, अगर 5,000 का रिस्क लेके हम काम करते हैं इसमें 1,000 क्वांटिटी में, तो आपको 28,000 रुपये आपको मिल रहे होते। नाउ आई विल टॉक अबाउट यस बैंक।
अगेन, ठीक है। अब यस बैंक को भी देख लीजिए, सब डरते हैं सर पोजीशन लोगे तो डर लगेगा, पोजीशन लूंगा ही नहीं तो क्यों इस बात का डर। और आधे घंटे में ट्रेड, आधे घंटे में ट्रेड सर, इम्पोर्टेंट इज आप जो कर रहे हो ऑफिस किसी का बिजनेस बिजी रहो, बस शुरू का आधा 9 से 9:30 10 बजे का टाइम मुझे दे दो, मुझे नहीं अपने आप को दे दो, आपके अकाउंट में पैसा दिख जाएगा, बाकी सारी स्ट्रैटेजी साइड में रख दो, इसके सामने सब फीकी है, ओपन चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, राइट। यस बैंक गाइस 5% की मूव, राइट। और आज गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद हमें क्या करना था, लो के नीचे ठोकना था, हमने ठोका, हाई पे हमने स्टॉप लॉस लगाया, उसके बाद देखते हैं कितना पॉइंट मिला, थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम लगा लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल 5 मिनट का मैंने चार्ट लगा लिया यहाँ पे यस बैंक में, ठीक है। सॉरी यस बैंक, ठीक है, ये कल का चार्ट है, तो यस बैंक का हाई ये था, ऑलमोस्ट हाई पे क्लोज हुआ था, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, ये हाई पे क्लोज हुआ, मार्केट गैप अप खुला, इस जगह खुला, यस बैंक में एंट्री कब मिली, इस हाई पे, यहाँ पे एंट्री मिली, राइट। जब यहाँ पे एंट्री मिली ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए 4350 के आसपास एंट्री और 43, 44, 45, 46 ₹3 का मेरा स्टॉप लॉस था और ऑलमोस्ट ₹3 का डाउनफॉल मिल गया, ऑलमोस्ट इमीडिएटली जैसे एंट्री आई, जैसे आपको यहाँ पे एग्जीक्यूशन मिला वहीं से इसने तुरंत लो बना दिया। ऑलमोस्ट गाइज, ऑलमोस्ट अगेन इफ आई टॉक अबाउट रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट, ये जो भी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ बाय डिफॉल्ट मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई कर देना, क्योंकि आपके पास इससे भी बड़े पावरफुल टूल हैं। आप पैसा नहीं कमा सकते अगर पोजिशनिंग आपके पास नहीं है, तो मनी मैनेजमेंट नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजिशनिंग एंड रिस्क रिवॉर्ड, अगर ये चीज नहीं है आपके पास गाइस, पैसा कितना पावरफुल सेटअप हो एक ही दिन बहुत है मार्केट में आपका अकाउंट जीरो करने के लिए। डरा नहीं रहा हूं, जस्ट एजुकेट कर रहा हूं, सीखो कैसे काम किया जाता है तब ट्रेड करने का सोचो, राइट। और देखो इसी लेवल से दोबारा यहीं पर आया और यहीं से फिर गिरा, अब समझ में आया ये पिछले डे का क्यों कितना पावरफुल होता है, क्यों होता है, राइट। यस बैंक में हमें ऑलमोस्ट 4350 से 41, 42, 43 ऑलमोस्ट 2.5 पॉइंट का जहां ऊपर एसएल था 2.5-3 पॉइंट का, नीचे भी आपको 2.5-3 पॉइंट का मिल गया है, करेक्ट, मोर देन एनफ। और टारगेट आई ऑलरेडी अपडेट यू कितना है, बट स्टिल अभी आप सीख रहे हो, अभी आपके लिए फर्स्ट टाइम है, तो जो मिले 500, 1000, 2000, 1500, 5000, 10000, 20000, 50000 लेते चलो गाइस, प्रॉफिट बुक करते चलो, आ जाओ। 2 दिन पहले मैंने स्ट्रेटेजी दी, सिर्फ 2 दिन पहले, और देखिए स्मार्ट ट्रेडर्स किसको बोलते हैं, स्मार्ट ट्रेडर्स किसको बोलते हैं, आप देखते रह गए, यहाँ पे कमाने वाले कमाते रह गए। अरे ये देखिए गाइस, BPCL 18,630, 521 LTP प्राइस था, जो भी उनका रेट था 521 पे एग्जिट हो गया, तभी 18,000 आ गया, जबकि ये 512 तक का लो गया है। जो मिले निकलो, जो मिले निकलो गाइस, जो मिले निकलो, स्टार्टिंग में जब 8 10 15 दिन 1 महीना प्रैक्टिस कर लोगे ना, तब आपको समझ में आएगा ट्रायलिंग एसएल के साथ कैसे काम करना है। और इसका ट्रायलिंग एसएल मैं अपने क्लास में बताता हूँ, मोस्ट वेलकम, आप ज्वाइन करिए, आपको सिखाई जाएगी क्या पावरफुल है, कैसे ट्रायलिंग स्टॉप लॉस देना है, क्या और शार्पनेस है इसमें, चीज़ें देख सकती हैं। ये तो एक छोटा सा वर्जन दिया है, एक छोटा सा जिससे आप सब लोगों को हेल्प हो सके, 18,000 रुपीज़, राइट। और ये देखिए, आई वॉन्ट स्ट्रैटेजी एट व्हाट द कॉस्ट, ये मैंने भूल दिया था, प्लीज़ कॉल मी। और ये देखिए सर, थैंक्स फॉर योर उल्टा पुल्टा स्ट्रैटेजी, थैंक्स फॉर योर उल्टा पुल्टा स्ट्रैटेजी, मेड प्रॉफिट एंड BPCL लाइव दिखा रहा हूँ गाइस, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, होप यू अंडरस्टैंड, बिलीव करो स्मार्ट ट्रेडर पैसा बना के निकल रहे हैं। कई सारे व्हाट्सएप में चढ़ा है, मस्त काम किया, और सबसे ईजी मॉर्निंग में ही 9 o'clock बैठना है, वो 15 मिनट में आपको स्टॉक सिलेक्शन आपके थाली में परोस दी जाएगी, आपके थाली में होगी, यानी कि आपके टर्मिनल पे होगा वो, और जैसे 9:15 पे ही आपको पता चल जाएगा, 9:15 एक सेकंड के अंदर ही आपको पता चल जाएगा, बॉस ये 5 स्टॉक थे, इसमें से किस में करना है किस में नहीं करना है, सिंपल है, सिंपल है।
दोबारा देखिएगा वीडियो को, आपको समझ में आएगा। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ गाइस थोड़ा सा निफ्टी एनालिसिस की, ठीक है। निफ्टी की बात कर लेते हैं, ये है निफ्टी का डेली चार्ट। अगेन वॉरेन बफे का जिसने वीडियो देखा है उनको समझ में आएगा, जिसने नहीं देखा है तो सबसे पहले वॉरेन बफे जी का जो वीडियो है टॉप सीक्रेट करके, जो मैंने एक वीडियो बनाया हूँ मनी नेवर स्लीप, दिस इज आवर यूट्यूब चैनल, ठीक है, और टॉप सीक्रेट ऑफ वॉरेन बफे, ये एक बार वीडियो देखिएगा। इसमें एक सीक्रेट बताया, सिर्फ एक ही सीक्रेट बताया, 10-15 नहीं, क्योंकि हम अप्लाई नहीं कर पाते। लाइफ में 10 रूल देंगे तो अप्लाई नहीं करेंगे, एक रूल देंगे उसको फॉलो करेंगे सक्सेसफुल अपने आप हो जाएंगे। एक ही सीक्रेट बताया है, फियर एंड ग्रीड, दोबारा देख लीजिएगा जिसको ढंग से देखना है। सिंपल कॉन्सेप्ट गाइस, वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। आप देखिए कौन सी तारीख है ये, 20 सितंबर को मार्केट ने रिएक्शन दिया था, कॉर्पोरेट टैक्स जब घटा दिया गया था 5-10% का, तब मार्केट ने ये मूव दिया था, और नेक्स्ट डे अगले दिन फिर उसने गैप अप खोल के मूव दिया, राइट। अच्छी पॉजिटिव न्यूज फॉर कॉर्पोरेट, नॉट फॉर एंड यूजर्स, उनके लिए अच्छी न्यूज दी, मार्केट ने रिएक्ट किया, बाउंस बैक रिएक्ट किया। बट मेरी स्ट्रैटेजी, आप मूवमेंट दो, उसको मूवमेंट को कैसे खत्म करना है उस पर मैं काम करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता मार्केट कैसे रिएक्ट करने वाला है, क्या टैक्स में छूट देने वाले हैं, गवर्नमेंट क्या करने वाली है। मैं बंदा नहीं हूँ, मैं एक आम बंदा हूँ आप लोगों की तरह, जो घर पे बैठा है अपने सिस्टम के साथ, अपने पावरफुल सेटअप के साथ, अपने स्ट्रैटेजी के साथ, पेशेंस के साथ, और सिंपल लॉजिक फॉलो करता हूँ। प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम, ये दो चीज़ मेरे भगवान है, मैं सिर्फ इनको फॉलो करता हूँ, कोई इंडिकेटर नहीं लगाता, कुछ नहीं, नथिंग, सिर्फ इस पर देख के जो मेरी खुद की पावरफुल एनालिसिस है, जो 12 साल से जिस पर काम कर रहा हूँ उस पर मैंने क्लियर कट वॉरेन बफे की स्ट्रैटेजी में बोला, बॉस टॉप पे ठोको, लो पे बाई करने का सोचो। एट द टॉप ओनली थिंक अबाउट फॉर सेलिंग, वेयर सेलिंग, दैट आई एम गोइंग टू टीच यू इन माई क्लास, राइट। At the bottom, just think about go for buy side, not selling side, because everyone is selling. So we will take the opportunity for buying side, not selling. Because selling, मैं यहाँ पे क्यों करूँ, low पे क्यों करूँ भाई, selling यहाँ से चल रही है, already market गिर गया है, अगर मैं यहाँ पे selling करूँगा तो मुझसे बड़ा fool कोई नहीं होने वाला, तो I need to wait for the opportunity. सिमिलरली जब ऊपर ऑलरेडी जा चुका है, ब्रेकआउट पे बाई नहीं करना है, वो अलग स्ट्रैटेजीज होती है गाइस। मेरा स्ट्रैटेजी क्लियर कट फंडा, वॉरेन बफे का रूल, ऊपर जाए ठोको, लो पे जाए बाई करो। आई एम वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, और देखो आप लोगों के सामने लाइव चार्ट दिखाता हूं, आ जाइए थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक है, और ये देखिए चार्ट, ये आपके सामने लाइव चार्ट है, 1 अक्टूबर और 4 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर का छुट्टी था तो ऑलमोस्ट 3 दिन की बात करूंगा गाइस। 3 दिन में क्लियर कट, ये मेरा चार्ट नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स का चार्ट है, दिस इज नॉट माय चार्ट, मेरे स्टूडेंट का चार्ट है, और जिनका चार्ट लिया हो उनको पता है। सर जिसका भी चार्ट है प्लीज, आप अगर दोबारा ये वीडियो देख रहे हैं तो मेंशन कर दीजिएगा कि दिस इज माय चार्ट, राइट। और देखो क्लियर कट हेड एंड शोल्डर, सब लोगों को पता है हेड एंड शोल्डर होता है, लेकिन हेड एंड शोल्डर कौन सा प्रॉपर होता है, आधी दुनिया से पूछ लो ना किसी को नहीं पता होगा, 1-2 जने 5 जने 10 जने पता होगा गाइस, मुझे पता है हेड एंड शोल्डर पता है, बट कैसे काम करता है, कब काम करता है, क्यों नहीं करता है, क्या सही है क्या गलत है, वो जानना जरूरी है। इसलिए बोलता हूँ एजुकेट योर सेल्फ, किसी को टिप्स के पैसे देने से अच्छा है अपने ऊपर खर्चा करो, और दिन में सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटा आप निकालो, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, पूरा टाइम फैमिली, क्वालिटी टाइम फैमिली से स्पेंड करो। आई हैव 4-5 स्ट्रैटेजीज जो डायरेक्ट काम करती है, उल्टा पुल्टा उसमें से एक है, टाइम बॉम है, क्रोकोडाइल है, बहुत सारी स्ट्रैटेजी जो मैं अपनी क्लास में देता हूँ, ठीक है। आप देख लीजिए 11,521 यानी 11,520 लाइव मार्केट में चलते हुए मार्केट में मैंने आपको अपडेट दिए थे, बॉस हेड एंड शोल्डर, शोल्डर लेफ्ट, उन्होंने मेरे को अपडेट दिया था, मेरे को अच्छा लगा, उनको मैंने बोला ठोको, और आप लोगों को साथ शेयर कर दिया जिससे कि आप लोगों को भी एजुकेशन मिल सके। अगर आप यहाँ पे बाई करने का सोच रहे हो तो गाइस
मत सोचो। एटलीस्ट आप सेल नहीं कर रहे हो तो बाइंग में नहीं जाओगे तो लॉस भी नहीं होगा, राइट? दिस इज माई एक्चुअली थॉट प्रोसेस, इसलिए मैंने आपको शेयर कर दिया। इन्होंने बहुत सारी मेरे सीक्रेट इसमें बना रखे हैं, बट स्टिल मैंने आप लोगों को दिया, मैंने कहा नो प्रॉब्लम। और गाइस दोबारा देख लीजिए ये चार्ट 11,521, और हम निफ्टी की बात कर रहे हैं 11,000 स्पॉट चार्ट की बात करेंगे, राइट? दिस इज अ स्पॉट चार्ट 11,525, यानी कि कहीं ना कहीं इस कैंडल में, कहीं ना कहीं इस कैंडल में क्लियर कट मेंशन कर दिया गया था बॉस। थोड़ा सा आपको मैं रेजिस्टेंस का भी बता देता हूं जिससे कि आपको समझने में सीखने में आसानी हो। ये एक हाई लिया था, ये दूसरा हाई था। ये हाई क्यों लिया था गाइस, सीक्रेट है। ये हाई क्यों लिया था, ये भी सीक्रेट है। वो वाला नहीं कि ये तो हाई हाई है इसलिए बना दिया, ये पूरी दुनिया को पता है, ये पूरी दुनिया को पता है कि दो टॉप वाले हाई जोड़ दो, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन इसके बीच में मेरा कुछ और लॉजिक है, वो मेरे स्टूडेंट्स को मालूम है, राइट? तो ये हाई से मैंने इस हाई को जोड़ा और एक लाइन खींची, और ऑटोमेटिकली देखो एक ब्यूटीफुल लाइन आई। जिस दिन मार्केट में न्यूज आया था कॉर्पोरेट डिस्काउंट का, 2 दिन मूव दिया और वहीं पे अटक गई। अगले दिन ये आपको सबको पता है डोजी बनाया, और डोजी के बाद रेड कैंडल बनाया, उसका ग्रीन कैंडल बनाया, उसका रेड, और 525 पे यही बोल दिया गया था गाइस ठोक दो सेल कर दो। 525 से आज देख लो ऑलमोस्ट लो पे क्लोज हुआ है, यानी कि 11,158.40 रुपए, 11,160 ऑलमोस्ट स्क्वायर ऑफ राउंड ऑफ कर दूं तो कितने पॉइंट्स हो गए गोल्ड गाइस, 525 माइनस कितना है ये लो, कितना है 11,160 कैलकुलेट करेंगे, 160 मेड अ लो, 365 पॉइंट्स इन निफ्टी, राइट? तो मल्टी कंफर्मेशन चीजें ढूंढ के यहां निकाली गई है। और इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है गाइस, अब बी केयरफुल, ये ध्यान से सुनना, पूरा वीडियो सुनोगे फायदा होने वाला है। अब ध्यान रखना, नीचे मैंने एक लेवल निकाला है 11,100 का, 11,100 का, ये बहुत पावरफुल लेवल है गाइस, 11,100, और एक लेवल है 11,074। दीज आर टू वेरी क्रूशियल लेवल्स। अगर मार्केट इसको टेस्ट करके, इसको टेस्ट करके होल्ड कर जाता है, मार्केट यहां से रिवर्स लेगा, दोबारा आपको 11,625 का लेवल दिख जाएगा। और अगर बाई चांस कोई पावरफुल यानी कि एलिफेंट कैंडल इसको ब्रेक करके होल्ड कर देती है, तो गाइस दोबारा जहां से चढ़ा था ना कॉर्पोरेट टैक्स वाले दिन 10,700, वही लेवल आपको दोबारा मिल जाएगा। ध्यान से सुनना, 11,100 और 11,074 ये लेवल के अगर ऊपर होल्ड करता है एक दो दिन, मोस्ट पावरफुल ये ऊपर की तरफ खींच देगा। ऊपर का 11,600 का लेवल है, और अगर ये ब्रेक करके होल्ड कर जाता है, नो वरी, ये आपको एक माइंड में लॉजिक दे रहा हूँ कि जो लोग यहाँ पे सेल करने का सोच रहे हैं, प्लीज़ अलर्ट हो जाए, मेरे वजह से नहीं, अपने पैसों का, आपके पैसों के साथ, प्लीज़ यहाँ पे मत सोचना सेल करने का, ठीक है? वेट फॉर द कंफर्मेशन, एक बार कंफर्मेशन हो जाएगा तब हम ठोकेंगे। कल भी मैंने क्लियर कट बोला था, क्या बोला था गाइस कल क्लियर कट, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कल भी मैंने क्या लिख के भेजा, आ जाओ देख लेते हैं। ये देखो निफ्टी फ्यूचर 11,470, 11,530 एक्ट एज अ हडल, यानी कि अगर ऊपर आता है तो सिर्फ ठोकने का सोचना है, बाई बिल्कुल नहीं करना है, सेल ऑन राइज, प्योर हिस्ट्री विल रिपीट, हिस्ट्री दोबारा रिपीट होगी, डाउ थ्योरी का रूल है, हिस्ट्री रिपीट्स अगेन एंड अगेन, राइट? सेम विल हैपन, और देख लो कल ही बोला था और आज आपके सामने रिजल्ट है। कल तो नहीं ठूका, रेंज में खेला, पूरा रेंज में मार्केट रखा, और कल अगेन याद है हमने UPL क्यों सेलेक्ट किया था और निफ्टी क्यों सेलेक्ट करी, लॉजिक्स दोबारा रिपीट करके देखना वीडियो, हमने UPL क्यों सेलेक्ट किया था और निफ्टी क्यों सेलेक्ट करी,
दोनों मार्केट में रेंज में चल रहे थे, प्रीवियस डे मूव था वो पूरा रेंज में था, और जैसे ही रेंज में कुछ चीज चलती है, छोटा सा हिंट गाइस, प्रैक्टिस करना, बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, यू कांट इमेजिन। और देखो आज का लेवल, आज का लेवल 540, कितना लेवल 470, ये देखो कल, ठीक है 470 का लेवल, क्लियर कट यही लेवल आपको दिया गया था यहाँ का, और देखो कल इसी रेंज में रहा और आज धुआंधार बारिश। और जो लोग मेरे टाइम बॉम्ब स्ट्रेटेजी, मॉर्निंग टाइम बॉम्ब स्ट्रेटेजी, जिन स्टूडेंट्स को मेरी पता है, उन सबको पता है आज टारगेट हिट हुआ या नहीं, टॉप पे ठोका है, टॉप पे, और लो पे बाई किया, राइट। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं, अब ये निफ्टी का एनालिसिस मैंने आपको बता दिया, नीचे 10,600 का, तो यूनिट टू वेट, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, स्मार्ट ट्रेडर बनो, घिसे पिटे रोज जो गधा वर्क है वो मत करो। गधा वर्क क्या होता है, रोज ट्रेड करना होता है, दिस इज अ गधा वर्क। और स्मार्ट वर्क होता है अपॉर्चुनिटी का वेट किया, अपॉर्चुनिटी मिली ग्रैप इट, फिर वहाँ पे किसी की नहीं सुनना, चाहे टीवी में बोले खराब चाहे अच्छा, फिर किसी की नहीं सुनना, फिर अपना दिमाग लगाना है, लॉजिक लगाना है। बैंक निफ्टी की बात करता हूँ, बैंक निफ्टी का गाइस सेम एज यूजल, देखो एक लेवल यहाँ पे बना हुआ है और इसी लेवल से हमने आपको क्लियर कट बोला था, और वहां से 30,600 से 27,600, 3,000 पॉइंट कितने दिन में, 6 दिन में, फ्राइडे को क्लियर कट बोला गया था, 6 दिन में 3,000 पॉइंट, विश्वास नहीं हो रहा टेलीग्राम फिर स्क्रॉल कर लेना, मेरा कल का यूट्यूब का उल्टा पुल्टा स्ट्रैटेजी वाला देख लेना यूट्यूब का, कि 1:13 पे आई थिंक स्टार्ट होगा, एग्जैक्ट वहाँ पे क्लिक करना, बैंक निफ्टी का क्लियर कट लेवल बोला गया था कि इसके नीचे गया तो ठोको ठोको, और कल बोलने के बाद, परसों बोलने के बाद कल ये हुआ, और आज देख लो पानी निकल गया सर, पानी कितने पॉइंट आज 28,700 से 27,700, दिस इज माई नो ब्रेन स्ट्रैटेजी, जिसमें कोई दिमाग नहीं लगा, नो ब्रेन स्ट्रैटेजी में आया, राइट। एजुकेट योर सेल्फ, ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, मे बी यू हैव अ 1 ईयर एक्सपीरियंस, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, जो आपने अभी तक यूट्यूब में देखा है, जो आपने अभी तक किताबों में पढ़ा है, उससे बहुत अलग है मेरी स्ट्रैटेजी, उससे बहुत अलग है। आपको पता है हाई हाई मार दो रेजिस्टेंस बनेगा, लो लो मार दो सपोर्ट बनेगा, सॉरी गाइस ऐसा नहीं कह रहा हूँ, गलत है, लोग पैसा उससे ही बना रहे, गलत कुछ नहीं है, बट आई विल टॉक अबाउट प्रैक्टिकल। मेरे को किताबी नॉलेज का नहीं पता, क्योंकि किताबी नॉलेज मेरे को पैसा बना के नहीं दे सकता, जब मैं खुद ट्रेड करता हूँ पैसा तब बनता है, और वो जो एक्सपीरियंस है 12 साल का वो आप लोगों से शेयर करता हूँ, दैट्स इट, ठीक है। 14 अक्टूबर क्लास है, लिमिटेड सीट्स, प्लीज बुक एज सून एज पॉसिबल, मेरा आपको कमिटमेंट, लाइफ टाइम सपोर्ट, लाइफ टाइम आपको जो भी स्ट्रैटेजी बताई जाएगी, आपको डाउट है मेरे से पूछ सकते हो, फ्री टिप्स दी जाएगी, आपको अपने प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करे जाएंगे, और जो लोग मेरे साथ अकाउंट ओपन कर रहे हैं, जो लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उसके थ्रू आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं, प्लीज़ अकाउंट ओपन करने का मुझे अपना शेयर कोड शेयर कर दीजिएगा, आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा फ्री टिप्स के लिए, तो उनको भी फ्री टिप्स मिली जाएगी, जिससे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, जो सर्विस चाहिए आई एम गोना रेडी टू गिव यू गाइस, ठीक है। स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी की, टाइम बॉम्ब स्ट्रैटेजी, जो मेरे सर अकाउंट खुलवा रहे हैं उनको मिलेगा फ्री टिप्स, उनको मिलेगा, और जो एजुकेशन और जो अकाउंट खुलवा रहे हैं और उसके बाद मेरी क्लास ले रहे हैं गाइस, तो उनके लिए 10% फ्लैट डिस्काउंट भी मिलेगा, फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा उनको, क्लियर, ठीक है। तो जल्दी आइए, और ये वीक थोड़ा सा मुझे माफ़ी दीजिएगा, थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है, क्योंकि मैं बिल्कुल 100% एक्टिव नहीं होने वाला, ना खुद अपने अकाउंट में ट्रेड करने वाला हूँ, क्योंकि पूरा फैमिली क्वालिटी टाइम देने वाला हूँ गाइस, क्योंकि वीकेंड सैटरडे संडे पुणे पहुंच जाएंगे, तो नेक्स्ट वीक आई एम इन पुणे 46 डेज, जिसको मिलना है मोस्ट वेलकम, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, फ़ोन कर लीजिएगा, मिल लेंगे एक जगह डिसाइड करके। और आशा करता हूँ बैंक निफ्टी निफ्टी में आपको समझ में आएगा स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं गाइस, क्लास ज्वाइन करो आपको समझ में आएगा। अगेन बोल रहा हूँ, जो आपने सीखा है, आपका सीखा हुआ, मेरा सीखा हुआ, ज़मीन आसमान का अंतर रहने वाला है, और मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पैसा मार्केट में नहीं कमा रहे, जो कमा रहे हैं उनके लिए मेरी बेस्ट विशेस है,
जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग कुछ बिलीव कर दो तभी मेरा वीडियो देख रहे हो, उसके लिए रियली अप्रिशिएट। और कुछ और चाहिए मेरे से, मोस्ट वेलकम, जो मेरे पास है रेडी टू ओपन यू गाइस, नो वरी अबाउट, ठीक है, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू सो मच, फैमिली का ध्यान रखिए, वीकेंड है अगेन, मोटो आप लोग को पता है, फैमिली को लेके बाहर जाइए, रेस्टोरेंट जाइए, जिम जाइए, पार्क जाइए, कहीं भी एक क्वालिटी, अपने टेरिस पे चले जाइए, इवनिंग का एंजॉय करिए, शाम को बैठिए, गेट टुगेदर करिए, स्नैक्स शेयर कर लीजिए, ज़रूरी नहीं है कहीं बाहर ही जाया जाए, नहीं जा पाते ऊपर जाइए, एक घंटा फ़ोन को दूर रखिए, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, बातें करिए, हंसी मजाक करिए, कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है, किसी की खिल्ली उड़ाइए, किसी की कॉमेडी करिए, मजाक करिए, अरे सर सब जायज़ है, सब जायज़ है, स्टॉक मार्केट इतना टेंशन लेते हो, इतना बीपी ऊपर नीचे करते हो पूरे दिन, सब जायज़ है गाइस, सब जायज़ है। और वो दो घंटे टाइम दोगे ना सर, छः दिन पाँच दिन अलग, वो दो दिन अलग ही निकलने वाले हैं। मेरे अंदर ये एनर्जी, आप बोलते हो ना कि सब लोग मैसेज करते हैं सर इतना सारा करते हो, टिप्स भी देते हो, सोशल मीडिया भी प्लेटफॉर्म हैंडल करते हो, स्ट्रैटेजी भी देते हो, खुद की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, ट्रेड भी करते हो मल्टीपल अकाउंट्स में, लोगों को सही गाइडेंस भी देते हो, पेड टिप्स भी देते हो, अपने स्टूडेंट्स को चार्ट्स प्रिपेयर जो करते हैं उनको बताते हो कि चार्ट सही बनाया गलत बनाया, सारी चीज़ करते हो, लाइफ टाइम सपोर्ट देते हो, इतना सारा कैसे कर लेते हो घंटे में गाइस? वो जो दो दिन है वो मेरे पावरफुल होते हैं, वो दो दिन में मैं इतनी एनर्जी इकट्ठा कर लेता हूँ, पाँच दिन मेरे लिए पीनट्स हो जाते हैं, अब मजा आता है मेरे को, दिस इज माई पैशन, अभी 12 साल से दे दिए, झूठ नहीं, अब ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को सिखाने का, सही ट्रैक पाने का, किसी को फॉलो कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन दिमाग लगाओ किसको फॉलो कर रहे हो, क्या वो खुद ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं फॉलो कर रहे हैं और खुद कमा रहे हैं, उसके पास सीखने का भी कोशिश करो, मेरे से नहीं किसी के पास, 110% आपको सीखना ही पड़ेगा, दिस इज नॉट अ गैम्बलिंग, शेयर मार्केट इज नॉट अ गैम्बलिंग, इफ यू हैव गुड एनफ नॉलेज यू कैन अर्न इवन यू कांट इमेजिन हाउ मच यू राइट। चलिए थैंक यू सो मच गाइज, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, चलिए हैप्पी दशहरा इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू गाइज, थैंक यू, सब्सक्राइब टू माई चैनल and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.